श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे सांवरे सलोने सरकार की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। वांगमयी प्रतिमूर्ति का कहने का अभिप्राय जैसे दारुमयी होती है मूर्ति, लोहमयी मूर्ति होती है, पाषाणमयी मूर्ति होती है, वैसे ही श्री कृष्ण की ये वांगमयी मूर्ति है, वाणी की मूर्ति है। और इस वाणी की मूर्ति में द्वादश स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं, जिनकी महिमा विगत दिवसों में आप सब श्रवण कर रहे थे। इसमें ये 12 के 12 स्कंद, स्कंद माने वैसे तो शाखा होता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण कल्पवृक्ष की भी उपमा है, तो वृक्ष की जो डालियां होती हैं उन्हें स्कंद बोलते हैं। और यदि इसको मूर्ति मानेंगे तो निश्चित रूप से इसमें अंग हैं, दो चरण हैं, दो हाथ हैं, कटी है, उदर है, वक्षस्थल है, ग्रीवा है, ठोड़ी है, कपोल है, नेत्र है, मस्तिष्क है, ये सब अंगों के नाम हैं। और अंगों के माध्यम से भगवान आपको दिव्य दर्शन देकर के आपको दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। ये जो प्रथम स्कंद है जिसकी चर्चा आज हम प्रारंभ करने वाले हैं, इसमें अधिकार लीला का वर्णन है। अधिकार लीला का अभिप्राय, इसमें 3 प्रकार के वक्ता हैं और 3 प्रकार के ही श्रोता हैं। आप लोग अपने को जिस प्रकार का श्रोता मानते हैं उस प्रकार के वक्ता के पास बैठ करके आप कथा सुन सकते हैं। जैसे रामचरितमानस, मानस के कारण वह मानसरोवर है और मानसरोवर में सीढ़ियां हैं, इसलिए वहां जो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इन कांडों में आप देखेंगे बाल कांड के बाद लिखा रहता है प्रथम सोपान, अयोध्या कांड के बाद द्वितीय सोपान। सोपान माने होता है सीढ़ी, जैसे स्कंद माने डाली, वैसे सोपान नाम होता है सीढ़ी का। तो सरोवर में सीढ़ियां होती हैं, वैसे ही सरोवर में 4 घाट हैं, 4 घाट हैं सरोवर में, 3 घाट में तो सीढ़ियां हैं, 1 घाट में सीढ़ी नहीं है। और चारों घाट के वक्ता अलग अलग हैं, श्रोता अलग अलग हैं। 1 घाट में याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुना रहे हैं, श्री भरद्वाज जी महाराज कथा सुन रहे हैं। 1 घाट में भगवान शंकर बैठकर कथा सुना रहे हैं और भगवती मांबा जगदम्बा पार्वती बैठकर कथा सुन रही हैं। और 1 घाट में कागभूषुंड जी महाराज कथा सुना रहे हैं और श्री गरुण जी महाराज कथा सुन रहे हैं। तो 3 ये श्रोता वक्ता तो स्पष्ट दिखते हैं, 3 घाटों में अलग अलग।
ये कर्मकांड का घाट है, उपासना कांड का घाट है, ज्ञान कांड का घाट है, और उसमें जो अमृत जल है जिसको पीने के लिए सोपानों में उतरा जाता है वह दिव्य भगवत कथा रूपी रस ही है। किंतु जो चतुर्थ घाट है उसमें सीढ़ियां नहीं है। आप कहेंगे सीढ़ी के बगैर कैसे घाट होता है, तो पुराने के समय जब आपने कभी सरोवरों के दर्शन किए होंगे यदि, तो एक घाट में सीढ़ी नहीं होती है, उस घाट का नाम होता है गऊ घाट। गायें उस घाट से उतर कर, क्योंकि सीढ़ियों से गाय उतरेंगी तो गिर जाएंगी, तो वो बिना सीढ़ियों का घाट होता है, उसमें गायें अपना उतर कर जाती है, नीचे तक जल पीती हैं और चली आती हैं। हमारे अम्बरज में जाओगे तो पुराने जितने इस प्रकार के कुंड हैं उन कुंडों में ये दर्शन करने को मिलता है। तो जिसमें सीढ़ियां नहीं हैं उस घाट गऊ घाट में तुलसीदास जी महाराज कथा बैठकर सुनाते हैं, और इनका श्रोता बड़ा मजेदार है, अपना मन ही श्रोता है, वो दूसरों को कथा नहीं सुनाते, अपने मन को श्रोता बना रखा है, इसलिए बीच बीच में तुलसीदास जी अपने मन को संबोधन करते हैं। सब में संबोधन है, वक्ता लोग श्रोताओं को संबोधन करते हैं, भगवान शंकर भी पार्वती को संबोधित करते हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को संबोधित करते हैं, और हमारे श्री कागभूषण जी महाराज उर्गारी, उरक के जो अरी हैं अर्थात सर्पों के जो दुश्मन हैं, गरुण जी महाराज का संबोधन करते हैं, तुलसीदास जी महाराज मन का संबोधन करते हैं। और ये जैसे रामचरितमानस भी बहुत बेजोड़ ग्रंथ है, हर दृष्टि से परिपूर्ण है, भले वो हिंदी में है, अवधि भाषा भी है, ब्रज भाषा भी है, उसमें कई भाषाएं मिश्रित हैं, किंतु उसके बाद भी वो है बड़ा बेजोड़। ऐसे रामचरितमानस की जैसे दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण, आ जाओ बाबा इधर बैठो, इधर आओ, आ जाओ, आप बहुत अच्छे हो, विराजो, बैठ जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था श्रीमद् भागवत महापुराण में भी तीन मुख्य रूप से श्रोता हैं और मुख्य रूप से तीन ही वक्ता हैं भागवत में, और तीनों के अधिकार का निरूपण प्रथम स्कंद में किया गया है, ईनाधिकार, मध्यमाधिकार और उत्तमाधिकार। हीनाधिकार का भी वर्णन है, मध्यमाधिकार का भी वर्णन है, उत्तमाधिकार का भी वर्णन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के मुख से निर्धारित गंगा है, इसीलिए इसे ज्ञान गंगा बोलते हैं। तो गंगा में कोई स्नान करने के लिए आए तो उसका अधिकार नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा प्रांत क्या है, तुम्हारी योग्यता क्या है, पापी हो या पुण्यात्मा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। गंगा के किसी घाट पर कोई परिचय नहीं पूछता है, वहां गंगा मैया का घाट सबके लिए खुला है, वो जल सबके लिए उपलब्ध है, पक्षियों को भी उपलब्ध है, पशुओं को भी उपलब्ध है, कीड़े मकोड़ों को भी उपलब्ध है,
और गंगा में जो भी डुबकी लगाए, जान में डुबकी लगाए, अनजान में डुबकी लगाए, गंगा माँ उसको पवित्र करती हैं, निर्मल करती हैं, शीतल करती हैं बिना कुछ पूछे। तो यदि गंगा भगवान के चरणों से निकली हैं और बिना किसी जाति के, बिना किसी मजहब के, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी योग्यता के सबको निर्मलता, पावनता, पवित्रता प्रदान करती हैं, तो क्या गंगा मैया जैसी ज्ञान गंगा को नहीं करना चाहिए? ज्ञान गंगा का भी वही होना चाहिए। गंगा तो गंगा है, ज्ञान गंगा में कोई जाति क्यों पूछेगा, योग्यता क्यों पूछेगा, स्त्री पुरुष क्यों पूछेगा, तुम किस उद्देश्य से आए हो ये क्यों पूछेगा? यहां भी वैसे पूछ है नहीं, और ज्ञान में वैसे तो अधिकार का निरूपण है। ज्ञान कांड में जब व्यक्ति प्रवेश पाता है तो कहते हैं कि उसके जीवन में सड संपत्ति होनी चाहिए। यदि सड संपत्ति है तो निश्चित रूप से आप उसमें प्रवेश पा जाओगे। किंतु यहां जिसकी चर्चा में अधिकार की चर्चा कर रहा हूं, वह अधिकार कोई सड संपत्ति की नहीं है, वह हम लोगों को उन्नति के पथ पर प्रदर्शित करने के लिए है कि श्रीमद् भागवत महापुराण का हम प्रयोग कहां करें, और श्रीमद् महापुराण भागवत महापुराण का जो वाचन है, जो कथन है, श्रवण है, उसको कैसे करना चाहिए। अब आपने शायद घर में कभी देखा होगा, एक घास निकालने वाली खुरपी होती है, होती लोहे की है, आज भी 50 रुपए की मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 100 की मिलेगी। अब वो तो घास निकालने का ही काम करेगी, किंतु कोई शौकिया किसान उसको सोने की बनवाए और सोने की खुरपी, उसमें हीरे लगवाए और लगवा कर उसको घास निकाले, तो कोई बुद्धिमान क्या कहेगा, मूर्ख है। सामान्य सी घास निकालने के लिए इतनी कीमती खुरपी लेकर क्यों जा रहा है? अरे कोई विशेष खास घास निकाल ली हो, खरपतवार निकालना हो, तो उसके लिए सोने की चाहिए। ये लोहे की खुरपी से